पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना द्वारा पुलिस कार्यालय में सुनी गई जनता की समस्याएं निस्तारण हेतु संबंधित को दिए गए दिशा निर्देश। जनता दर्शन में आए फरियादियों की समस्याएं शिकायतों को सुना गया। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों की त्वरित एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। सिद्धार्थनगर में नशीली दवा या जहर खाने से इलाज के दौरान लड़की की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। दवा खाने के बाद परिजन आनन फानन में बेहोशी की हालत में इलाज के लिए पहुंचे अस्पताल, कुछ देर बाद हुई मौत। राजस्थान के बारा में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को वार्ड के जन जन तक पहुंचाने के लिए अटरू मुख्यालय के हार्ट चौक स्थित महिला पार्क में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन नगरपालिका आयुक्त शैलेश रैगर की अध्यक्षता में किया गया। बलरामपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की बैठक हुई। संपन्न कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं को पूरा किए जाने का दिया निर्देश। राजस्थान के बारा अटरू क्षेत्र में हुई अब तक की बारिश से परवन व पर्वती नदी में चल रहा उफान। मध्य प्रदेश में हुई झमाझम बारिश के बाद हाड़ौती में बहने लगी दक्षिण से उत्तर तक की सभी नदियां, चल रही उफान पर। इस क्रम में आज मध्य प्रदेश के रामगढ़ डैम से छोड़ा गया पानी। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश, मांगों को पूरा न करने वाले नर्सिंग संस्थानों को मान्यता मिली तो होगी कार्यवाही। चौबीस हफ्ते की गर्भवती अविवाहिता को दिल्ली एचसी ने नहीं दी अबॉर्शन की अनुमति, कहा बच्चे गोद भी दे सकते हैं। एमपी में महिला और बीजेपी के पूर्व विधायक के बीच जमकर हुई तू तड़ाक, वीडियो वायरल। समर्थन जुबानी, रांची पहुंचे यशवंत सिन्हा, कांग्रेस के साथ बैठक आज, चुनाव पर बनेगी रणनीति। मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं मिले सबूत, लोकायुक्त के शिकायतकर्ता पर लगाया 50,000 का जुर्माना। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।